हेलो इजिशियंस, और आज तो शायद कोई क्लास नहीं ले पाऊँगा, तबीयत बहुत ख़राब है। बट आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए, कोस्ट के लिए कुछ सजेशन दे देता हूँ। पेपर वाइज अप्रोच बेसिकली मैं कहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको करना क्या है समझो बात, जैसे स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के साथ। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई चैप्टर आएगा ना, तो आप क्या करोगे, कुछ भी हो सब में, कहीं से भी हो, आपको सबसे पहला टारगेट अपना क्या रखना है ना, कंट्रीब्यूशन निकालने का। कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे ना तो आपका आधा काम हो जाएगा। दो फॉर्मूला से निकलता है अपना कंट्रीब्यूशन, एक सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो दोनों फॉर्मूला से आप पहले कंट्रीब्यूशन निकालना, उसके बाद आप देखोगे एक एक करके आपका सारा आइटम निकल जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका पहला टारगेट। ये आप अपने कॉपी में लिख लो कि कैसे इसको अप्रोच को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट मिसिंग फिगर वाला जो सम रहता है उसमें आपको कभी कभी कंट्रीब्यूशन निकालने का रास्ता नहीं रहेगा, तो जो मिसिंग रहेगा वो आपको पहले निकालना है। सम्स क्या क्या आएगा वो मैं दे दूंगा, बट कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी कभी क्या होता है, नया सम्स आ जाता है, नया सम्स भी आ सकता है। ठीक है, जो आपने पहले कभी देखा नहीं हो। ये मैं जो बता रहा हूँ ये उस अप्रोच के बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना अपने आपको। करना क्या है, पहला कंट्रीब्यूशन निकालोगे फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सबसे पहले सम वही अटेम्प्ट कर लेना, एटलीस्ट यू विल बी सिक्योर्ड कि मेरा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, 15 से 20 नंबर का आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, 20 ही पकड़ के चलो। ठीक है, 15 से 20 नंबर का आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट चैप्टर शुड बी डन बाई वेरी हार्ड, तो एकदम चार लगा देना उसमें। देन गो फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर वेरियंसी आपको देगा एग्जाम में, इनकेस ओवरहेड देता है तो उसका भी फॉर्मूला गो थ्रू करके जाना। मिक्स वेरियंस तो मटेरियल वेरियंस के अंदर आ गया, लेबर के अंदर ही आ गया। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखना है कि कोई भी सम आए सबसे पहले आपको वो चार वेरिएबल्स निकालने हैं जो हमने क्लास में बात की। जैसे सम होता है ना तो क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, सो इसी तरह से सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं तो इसमें जो वेरिएबल्स है, स्टैंडर्ड प्राइस इज़ अ वेरिएबल्स, लेबर है तो स्टैंडर्ड रेट इज़ अ वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल्स आप पहले निकाल लेना कोई भी समय, पहले वो चार वेरिएबल्स निकाल लेना जिससे आपका ब्रैकेट के अंदर बाहर का जो फिगर्स है वो निकाल लेना, जिससे आपको हर फॉर्मूला को अप्लाई करने में ईजी रहेगा। चाहे मटेरियल और चाहे लेबर, अगर मटेरियल लेबर दोनों एक साथ आए एक ही समय तो आपको 8 वेरिएबल्स निकालना, मतलब इसके भी निकालने हैं, लेबर के भी निकालने हैं और मटेरियल के भी निकालने हैं। तो आप स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये चार वेरिएबल्स आप निकालोगे क्या चीज़ के लिए, मटेरियल के लिए, और अगर लेबर के लिए आता है तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड आवर एंड एक्चुअल आवर, आइडल टाइम वाला भी एडजस्टमेंट देखेगा। ठीक है, मैं PDF दे दूंगा इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 9903503989। देन कम्स आवर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, इसलिए मेरे माइंड में जितने सम्स वो सारे करके आने, एटलीस्ट अगर उसके अंदर से आ गया तो आप तो पूरे फाड़ दोगे 10 में 10 ऐप का। लेकिन अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, लिमिटिंग फैक्टर वाले इस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, उसको देख के जाना। लिमिटिंग फैक्टर होता क्या याद है ना, जिसका रिसोर्स सबसे कॉन्स्टेंट होता है वो वाला आपको सबसे पहले करना है, तो सबसे पहले आप वो करो। तो 20 नंबर का स्टैंडर्ड हो गया, 20 नंबर का मार्जिनल हो गया, 10 नंबर का ये हो गया। अगेन देन बचा क्या, जॉइंट प्रोडक्ट ABC एंड बचा, जॉइंट प्रोडक्ट में ABC एक साथ ही आता है 10 से 15 नंबर का, आप पकड़ लो 15 से 20 नंबर की पकड़ लो, 20 नंबर। ठीक है, 10-10 मार्क का एक एग्जाम आता है, ABC इज़ वेरी इजी। एंड जॉइंट प्रोडक्ट में जो बीच में रोकना पड़ा था, तो एक वो बताया आपको जॉइंट प्रोडक्ट, और जॉइंट प्रोडक्ट में एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट वो आपको तो करना ही करना, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी देख के जाना, क्या कभी एग्जाम में वो भी आ सकता है। बजट में कैश बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, मुझे लगता है इस बार कैश बजट आने का चांसेस है, कैश बजट अच्छे से कर दीजिएगा, फ्लेक्सिबल आया अभी तो वो बहुत ईजी है, सो आपका 10 नंबर वो कवर कर देगा। फंक्शनल एक सम ही करा हुआ मैं, एक ही देख के जाना, अगर आना हो तो वो आ जाएगा, और नहीं आया तो फॉर्मूला तो है ही आपके पास, उसको आप यूज़ करके कोई भी बजट ड्राइव कर सकते हो। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़िए, एंड अभी भी शो में सही अपडेट्स लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।